पिछले दो महीने से लगातार देश भर के अलग अलग शहरों में नागरिकता कानून NRC और NPR के खिलाफ धरना और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में भी महिलाओं का धरना जारी है और गुरुवार को धरने का 61वां दिन है। वहीं पांच राज्यों के बाद अब केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में भी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। नागरिकता कानून NRC और NPR के खिलाफ पिछले दो महीने से देशभर के अलग अलग शहरों में धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी महिलाओं का धरना जारी है और गुरुवार को धरने का 61वां दिन है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जब तक CAA को वापस नहीं लेगी तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते कालिंदी कुंज नोएडा रास्ता पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शाहीन बाग की तर्ज पर ही दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देशभर के कई दूसरे शहरों में नागरिकता कानून NRC और NPR के खिलाफ धरना और विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं बुधवार को केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने कहा कि पुडुचेरी विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पुडुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।